We are doing the numericals which were asked in NEET examinations of 2015. So, today's topic is magnetic effect of electric current, and the question, you are seeing it here. It is, a wire carrying current I has the shape as shown in this figure. Linear parts of the wire are very long and parallel to x-axis, while semicircular portion of the radius r is lying in yz plane. This has radius r. Okay, magnetic field at the point O is, these are the four choices, and we have to find out which is the correct one. So, what do we think? We think that whenever there is a current, there is a magnetic field around it, and we know the formulas. Magnetic field due to circular coil and magnetic field due to straight, infinite, long line. Okay. So, for point O, I make it here to study. This is y direction, this is z direction, this is 90 degree to both, this is x direction, and the wire is coming from infinitely long this way which is parallel to x-axis, then it makes a half circular portion in yz plane, and then it comes back again parallel to x-axis and goes to infinity, and we have to find out magnetic field at this point. Now, which are the conductors around this point? This point case, kis current ke karan is point par magnetic field banega? तो आंसर है, ये जो करंट ऐसे जा रही है, ये यहाँ से ऐसे जाएगी, ये इसका रेडियस हमको दिया गया है, दिस रेडियस इज आर, ये वाला पॉइंट है ओ, जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ओके, तो ये एक सेमी सर्कुलर है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेंटर में. तो इस मैग्नेटिक फील्ड का नाम हम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड नंबर वन. सो व्हाट इज़ दी वैल्यू ऑफ बी वन? हम लोगों को पता है सर्कुलर कॉयल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन टू आर. लेकिन ये फुल सर्कल नहीं है, हाफ सर्कल है, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ इसकी हाफ हो जाएगी, इसलिए हम इसको फोर आर कर देते. You understand? Mu naught I upon 2R को आधा कर दिया, mu naught I 4R. ये हाफ सर्कल के कारण उसका मैग्नीट्यूड हुआ. अब इसकी डायरेक्शन कौन सी है? तो डायरेक्शन के लिए देखिए, ये करंट है और हमने राइट हैंड कर्व रूल लगाया, ये करंट की डायरेक्शन है. तो थंब की डायरेक्शन क्या दिखाती है? मैग्नेटिक फील्ड. तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ? अंदर की तरफ. अंदर की तरफ डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे? अगर ये डायरेक्शन, ये एक्स की डायरेक्शन अगर आई है, तो अंदर की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव आई. सो दिस विल बी इन द डायरेक्शन आई जे के में हमने इसको लिया आई. कौन सा? माइनस. दिस इज फॉर करंट, तो इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, म्यू नॉट आई. आई इज द करंट फ्लोइंग इन इट, आई. ओके, ये इसकी डायरेक्शन आ गई. अब
इसके कारण देखिए, इसके कारण जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेट्स कॉल दैट B2. तो B2 की वैल्यू कितनी होगी? B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, अब एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रही है, दिस इज अ वेरी लॉन्ग कंडक्टर और इसके एक एंड के पास आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? हमने याद किया म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr. अब इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में आपका टेस्ट है, ये जो ऐसे लाइन बनी हुई है ये करंट जा रही है, तो इस करंट की डायरेक्शन यहाँ पर, ये यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसके साथ हमने अंगूठे को रखा और यहाँ पर r डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हमने अंगूठे को रखा, इसको कर्ल बनाया और ये ऐसा ली, किधर जा रहा है? नीचे. ये फिर से राइट हैंड पाम रूल, तो ये हमने लगा, ये पाम रखा और ये 90 डिग्री मोड़ा नीचे की तरफ, तो यहाँ पर इस आई के कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन किधर आएगी? आंसर नीचे की तरफ डायरेक्शन आएगी, और ये जो नीचे की तरफ बी टू बनता है इसके कारण इसमें कौन सा यूनिट वेक्टर लगेगा? तो आंसर है जेड की तरफ यूनिट वेक्टर होता है के, तो इसकी तरफ यूनिट वेक्टर लगेगा माइनस के. अब B3 इसके कारण है, तो यहां पर ये ऐसे जा रही है x एक्सिस पे, यहां पर हमने थंब रखा और ये R है और ऐसा नीचे, तो ये किधर आया? नीचे की तरफ, तो ये इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है B3 वो भी किधर बन रहा है? नीचे की तरफ B3, और इसके कारण जो बन रहा था वो किधर बन रहा था? इस तरफ x डायरेक्शन के ये, तो ये डायरेक्शन कौन सी है? तो आंसर है ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, इसलिए हमें इसको क्या करना चाहिए? ये नेगेटिव, ये हमने ली y और ये z, ऊपर का z k प्लस नीचे का माइनस. ओके, तो B3 भी इतना ही बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और इसकी डायरेक्शन ये नीचे की तरफ आई, तो ये भी माइनस के. इसको अब हम लिख देते हैं, सो दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस के. अब इसको टोटल कर देते हैं, सो म्यू नॉट आई अपॉन 2, ये तो कॉमन निकला, बी इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 वेक्टर सम. वेक्टर सम हमने किया तो B1 कितना आया? म्यू नॉट आई अपॉन 4R, दिस इज इन द डायरेक्शन B1, दिस इज इन द डायरेक्शन I, प्लस म्यू नॉट I अपॉन 2πr इन द डायरेक्शन माइनस के, और ये सेम है इसलिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 हो गए. म्यू नॉट I इज कॉमन, म्यू नॉट आई अपॉन 2R, ये कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? यूनिट वेक्टर I अपॉन 2, हियर इट इज 2, प्लस हियर म्यू नॉट I बाहर निकल गया, तो यहां बचा, सॉरी ये कैंसिल हो गया, सो म्यू नॉट I बाहर आ चुका है,
तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, 1 into minus k, and that will give us minus k, minus k upon ये पाई, r तो बाहर जा चुका है, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, पाई. This is, अब इसमें से हम आंसर्स को देखते हैं, क्या कोई आंसर इस फॉर्मेट में है या हमको और चेंज करने पड़ेंगे. यस, यहाँ पर जो आंसर्स हैं उसमें सबका डिनोमिनेटर 4 पाई है. 4 पाई है मतलब हमको नीचे ये 2 को भी बाहर ले लेना चाहिए. सो वी कैन राइट इट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 4 आर. ओ, पाई को भी बाहर लिया है तो हमने लिया 4 पाई आर. अब हम क्या करते हैं, किस तरह से इसको बनाना है, देखिए 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये 2 पाई अपॉन 2 पाई, तो ये कितना हो गया 4 पाई आर, 4 पाई आर. ये 2 पाई जो ऊपर है हम इसको बाहर भी रख सकते हैं और चाहे तो अंदर भी कर सकते हैं. इन्होंने आंसर्स में इसको अंदर किया है तो हम भी इसको अंदर कर देते हैं. तो अब ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 पाई अपॉन 2 पाई, 2 पाई अपॉन 2 इज पाई, माइनस 2 पाई अपॉन पाई इंटू आई, आई माइनस 2 पाई को यहाँ ले गए, पाई कैंसल हो गया और यहाँ क्या रहा 2k, दैट्स ऑल, क्योंकि पाई पाई कैंसल हो गया. ये अब देखते हैं इस फॉर्मेट में है क्या. द आंसर इज यस, द टोटल सम इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, दिस इज पाई आई 2k, and this is given pi I plus 2k minus 2k, pi I minus 2k is option number D. So this is the correct option. तो देख लीजिए, अगर आपसे direction में गलती हो गई तो plus minus पलट जाएगा, you will not get the answer. इसलिए इसको एक बार और ध्यान दीजिए. एक तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा राइट हैंड से निकलता है, अगर ये करंट है तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, और अगर ये करंट है तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है. तो इसने मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनाया ये, और ये डायरेक्शन कौन सी है, एक्स की प्लस डायरेक्शन. एक्स इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, तो प्लस में जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई. इसलिए हमने डायरेक्शन के लिए क्या लगा दिया, आई. क्यों लगाया, क्योंकि हमने आंसर्स में देखा इन्होंने आई जे के विद डायरेक्शन वेक्टर को दिखाया, तो हमको भी दिखाना, इसलिए हमने यहाँ पर आई लिया. अब इसके में कौन सा फॉर्मूला लगा कि एक लाइन के एंड में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और इसकी डायरेक्शन हमने निकाली नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ प्लस के और नीचे की तरफ माइनस के, तो डायरेक्शन के लिए हमने लिख दिया माइनस के. इधर वाले को देखा ये करंट और ये नीचे है तो ये भी माइनस के. अब ये दोनों बिल्कुल सिमिलर आ रहे हैं तो इनको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसके साथ ऐड कर दिया, तो ये हमारा एडिशन है. और 3 स्टेप के बाद हम देख रहे हैं कि इन्होंने जो फॉर्मेट लिया है अपॉन 4 पाई आर, हमने भी वही किया 4 पाई आर, हम यहीं से ही ले सकते थे. ओके, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स करके इसका फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट हमने मिला लिया, एंड वी गॉट इट, द आंसर इज डी. सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू. प्लीज सी दिस क्वेश्चन. इट सेज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर एंड इट इज मेकिंग एन रोटेशंस पर सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज एन. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर इज आइदर ऑफ दिस ऑप्शन, ये चार में से एक ऑप्शन. तो ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इस इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज हमको पता है कितना होता है E, और ये जो घूम रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी हमको दी गई है कितनी, N. ओके, दिस इज द क्वांटिटी
given to us, n rotation per second, that is frequency. The magnetic field produced at the center. सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और हमको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर. हियर आर इज द रेडियस. इन्होंने स्मॉल आर यूज किया है, वी विल आल्सो यूज स्मॉल आर. ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है, लेकिन हमको करंट की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है. आंसर में भी हम देख रहे हैं करंट की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम करंट का फॉर्मूला सिर्फ इसमें चेंज करेंगे. किस तरह से, हमारा नॉलेज क्या होना चाहिए कि करंट कैसे निकालते हैं. तो आंसर यहां पर, जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पार करता है तो जब ये एक सर्कल लगाएगा तो कितना चार्ज पार होगा, ई. अगर इसको एक चक्कर लगाने में टी टाइम लगता है तो करंट क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम. तो क्यू डिवाइडेड बाय टी, टी टी, हर टाइम टी के बाद यहां से कितना चार्ज पार हो रहा है, चार्ज क्यू विच इज इक्वल टू ई. तो करंट क्या होती है, क्यू अपॉन टी. अब यहां पर क्यू की वैल्यू ई है. अब 1 अपॉन टी किसके बराबर होता है, 1 अपॉन टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एन. सो दिस वी कैन राइट एज एन. सो दिस इज करंट. इफ दिस इज करंट, हमको दिया गया है एन फ्रीक्वेंसी और ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ई. ओके, तो ये करंट की वैल्यू आ गई. अगर ये करंट की वैल्यू है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट एन ई डिवाइडेड बाय टू आर. दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड प्लीज चेक वेदर देयर इज ए आंसर ऑफ दिस. यस, म्यू नॉट एन ई अपॉन टू आर इज द राइट ऑप्शन एंड दिस इज ऑप्शन नंबर डी. Correct. So this is how we do. So electron in the orbit is equivalent to current. ये अगर आप याद कर लेते हैं, इसके बाद और भी याद करिए कि इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, उसके बाद मैग्नेटॉन किसको कहते हैं वो भी याद करिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसका कितना होता है उसका भी एक्सप्रेशन याद करिए. इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है और ये तो इन्होंने बहुत सिंपल एकदम प्रिलिमिनरी आई पर लाकर पूछा है. ठीक, तो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू. सी द क्वेश्चन हियर, कंसिडर द सर्कुलर लूप हैविंग करेंट आई एंड विथ सेंटर पॉइंट ओ. The magnetic field at the center point O is given by either of these four expressions. इसमें हमको क्या क्या दिया गया है, एक उसकी quantity और दूसरा उसकी direction. तो हमें दोनों चीज़ें निकालनी है, quantity और direction. अब इसमें देखिए कितने loop हैं, इसी diagram को मैंने यहाँ redraw किया है. इसमें हम देख रहे हैं ये एक circular part है, ये एक स्ट्रेट लाइन है करंट की और ये करंट का एक सर्कुलर पार्ट है और ये फिर ये करंट की सर्कुलर लाइन है. तो शेप के अनुसार हमने इसके चार हिस्से बना लिए. दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर. अब चारों के कारण मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग काउंट करेंगे और फिर उसका रिजल्टेंट निकाल देंगे वेक्टर एडिशन करके. ओके, सो पहले इसके कारण हम लेते हैं बी वन. फॉर्मूला फॉर द सर्कल, फॉर्मूला फॉर द सर्कल होता है म्यू नॉट आई अपॉन टू आर. ये फुल सर्कल के लिए होता है और इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सर्कल है, आंसर है 3/4 सर्कल है ये. इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4. अब इसकी डायरेक्शन, राइट हैंड से हमने डायरेक्शन देखा, ये करंट ऐसे घूम रही है तो थंब कहाँ गया, अंदर की तरफ. इसलिए ये डायरेक्शन अंदर की तरफ है. अंदर की तरफ डायरेक्शन को अब जो भी लिखिए, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं दिस.
This shows going inside. Okay. Now, B2. B2 is due to this part. इस पार्ट की ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये वाला पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन की एक्सिस पर आता है. तो किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? तो आंसर है एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है. ये हमको अपनी मेमोरी से याद करना है. तो अभी तक हमारे दो फॉर्मूले काम आए, मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के कारण कितना होता है, ये फॉर्मूला काम आया. अगर इस सर्कल को हम छोटा कर देते हैं तो उतना ही पोर्शन हमको लेना है. दूसरा, स्ट्रेट लाइन के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जीरो. वैसे ही अगर ये B4 बनाएगी उस समय ये भी कितना हो जाएगा, जीरो. इसने जो यहां मैग्नेटिक फील्ड बनाया, लेट अस से दिस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस इज B3, उसे देखते हैं. तो अब इसके लिए हमको फिर से राइट हैंड को सेट करना है. हमने किया यहां पर ये राइट हैंड, दिस इज कर्व एंड दिस इज डायरेक्शन. कौन सी डायरेक्शन है ये? ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज. ये भी क्लॉकवाइज थी, तो क्लॉकवाइज के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ बनती है, इसलिए B3 भी किधर बनेगा, अंदर की तरफ. ओके, तो ये हमने लिख लिया B3 अंदर की तरफ बनेगा, लेकिन होगा कितना, सेम सर्कल का पार्ट म्यू नॉट आई अपॉन 2R इज फॉर द फुल सर्कल. लेकिन यहां पर इसका रेडियस R था, तो क्या इसका रेडियस भी R है? और यहां हमसे गलती हो सकती है, तो इसके रेडियस की वैल्यू लिखिए यहां पे. इसके रेडियस की वैल्यू कितनी है, 2R प्लस 1R, दैट इज इक्वल टू 3R. ये इसके रेडियस की वैल्यू है. अब क्या ये पूरा सर्कल है? आंसर है नहीं, ये पूरा सर्कल नहीं है. दिस इज ओनली 1/4 ऑफ द सर्कल. ये सिर्फ 1/4 है, इसलिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/4. पूरा सर्कल होता तो ये होता, 1/4 ऑफ द सर्कल है तो ये होगा. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ. अब चूंकि ये भी अंदर की तरफ है, ये भी अंदर की तरफ है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो वेक्टर सम के लिए दोनों का सिंपल एडिशन हो जाएगा. ओके, लेट्स डू दैट. सो दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन आर, म्यू नॉट आई अपॉन टोटल बी में हमने क्या किया, सब का सम. तो ये तो दोनों जीरो है, इन दोनों का सम होगा, तो म्यू नॉट आई दिस इज 3 अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन आर. यहां ऊपर में 3 है और नीचे में 8, 3 अपॉन 8, सेम डायरेक्शन, देयर फॉर प्लस. एंड दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन आर, म्यू नॉट आई अपॉन आर, और 1 अपॉन 2 3 6, 6 4 24, 1 अपॉन 24. This is equal to mu naught I upon R. और इसको सम कर लीजिए, 8 3 24. So this is 9 upon 24. This is 1 upon 24. Total is 10 upon 24. 5 upon 12. So the answer is 5 upon 12. म्यू नॉट आई अपॉन आर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. अब हम इसमें चेक करते हैं कि क्या ऐसा कोई आंसर है. ओके, यस, 5 upon 12, या आंसर बी हैज 5 upon 12 म्यू नॉट आई अपॉन आर. सो वी हैव द राइट आंसर बी. ओके, सो यू हैव सीन दिस डिफरेंट फीचर्स. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू. प्लीज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज ए प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो यहां पर मैं बना देता हूं ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट.
ओके, हमारी आदत इधर ईस्ट बनाने की है, ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. इट हैज ए स्पीड 3×10⁶ मीटर पर सेकेंड. एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2×10⁻³ टेस्ला एग्जिस्ट इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन. ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, और इस बी की वैल्यू है 2×10⁻³ टेस्ला. ओके, दोनों ऐसा ही सिस्टम में है तो आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. अब व्हाट वुड बी एक्सेलरेशन ऑफ दिस प्रोटॉन, पार्टिकल कौन है? तो आंसर है पार्टिकल इज ए प्रोटॉन. हमको निकालना क्या है? एक्सेलरेशन. ओके, हमारा नॉलेज क्या कहता है एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? तो एक्सेलरेशन का सबसे सिंपल फॉर्मूला आपको मालूम है, एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास. ठीक है, तो फोर्स अपॉन मास के लिए फोर्स अपॉन मास, ठीक है, ओके, मास हमको यहां दिया नहीं गया है. अगर मास नहीं दिया गया है तो प्रोटॉन एक स्टैंडर्ड पार्टिकल है, और आपको अपने नॉलेज से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के मास याद रखने. तो यहां पर आपका यह भी टेस्ट है कि आपको प्रोटॉन का मास याद है कि नहीं. तो याद रखिए, प्रोटॉन का मास गिवन नहीं है, जरूरत पड़ेगा अपने नॉलेज से आपको यूज करना है. देन हाउ डू वी गेट द फोर्स? तो यहां पर हमारा ये नॉलेज टेस्ट काम करता है. प्रोटॉन इज ए चार्ज पार्टिकल, मैंने चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स. हाउ मच इज दैट फोर्स? उस फोर्स का फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए. सो वी नो दैट दिस फॉर्मूला इज क्यू वी बी साइन थीटा, दिस इज द फोर्स. क्यू इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन, वी इज वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन, बी इज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. दिस नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज. क्यू चार्ज ऑन द प्रोटॉन, वी नो दैट चार्ज ऑन द प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6×10⁻¹⁹. वेलोसिटी गिवन इज 3×10⁻⁶. यस, दिस मल्टीप्लाइड बाय बी, बी इज इक्वल टू 2×10⁻³. दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय मास. अब प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास हमको मालूम है, दिस इज 1.67×10⁻²⁷ kg. यस, वी हैव टू गिव इट इन kg क्योंकि SI सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, और SI सिस्टम में हमको kg चाहिए, ग्राम नहीं. ओके, सो दिस इज अवर आंसर फॉर एक्सेलरेशन. अब इसमें 10⁻ सब ऊपर ले जाइए, बाकी सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, एंड दिस विल कम टू बी 5.74 × 10⁻¹ⁱ करके देखिए, 10⁻¹ⁱ और यूनिट इसका क्या आएगा? अगर आप इस सब में यूनिट लेंगे तो ठीक है, दैट इज डिफिकल्ट. तो एक्सेलरेशन का SI यूनिट यहाँ लगा दीजिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इन चारों आंसर्स में से चेक करिए कि ये किससे मिलता है. 5.74 आंसर में 5.74 नहीं है, डेसिमल के बाद वन प्लेस है, तो इसमें वन प्लेस हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज वेरी क्लोज टू वन ऑफ द आंसर्स, 5.8×10⁻¹ⁱ. This is approximately equal to this. So our right option will be 5.8. That is answer number C.
तो इसमें हमारा टेस्ट क्या हुआ? हमारा ये टेस्ट हुआ कि व्हेन ए चार्ज इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट इज द फोर्स इट एक्सपीरियंस। ये एक पहला टेस्ट आपको याद आना चाहिए। दूसरा, एक्सीलरेशन देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? फोर्स अपॉन मास। फोर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड में ये फोर्स होता है। और दूसरा, अपने नॉलेज से मास ऑफ द प्रोटॉन हमको याद करके बताना। तो मास ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स सबके याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। देन इट इज वेरी इजी एंड यू गॉट द आंसर सी। थैंक यू। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉयल कैरिंग करंट आई एम्पियर इज बी। सर्कुलर कॉयल इज कैरिंग करंट आई एंड द मैग्नेटिक फील्ड हियर इज बी। ओके, इफ द कॉयल इज बेंट इनटू स्मॉलर सर्कुलर कॉयल ऑफ एन टर्न्स। इसी कॉयल की इसी वायर को यूज करके हमने इसके टर्न्स बढ़ा दिए। इस वायर के हमने जितनी ये लेंथ थी उसी लेंथ को यूज करके इसी कॉयल को छोटा करके ऐसे ज्यादा घुमा दिया तो ये अब ऐसे बन गई लाइक दिस। और ये कितनी टर्न्स हैं? एन टर्न्स। ओके, अब अगर इसको हम छोटा करके एन टर्न्स बनाएंगे नेचुरली इसका रेडियस कम हो जाएगा। दिस इज आर एंड दिस इज आर। ये तो यहां पर अब इसमें भी करंट उतनी ही फ्लो हो रही है। आई आई इज द करंट। अब इस करंट के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कुछ बनेगा, लेट अस से बी डैश। पहले बी था और अभी बी डैश बन रहा है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? यू हैव सीन इट दैट व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू। ओके, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज बी डैश। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ बी डैश टू बी? ये हमको आंसर निकाल के बताना है। इसमें आपका क्या टेस्ट है? नंबर एक, कॉयल में करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड का करंट और रेडियस से क्या रिलेशन है? यहाँ पर कौन चेंज हो रहा है? रेडियस। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड एक फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूले यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगाएंगे, बट वी शुड नो द रिलेशन ऑफ द टू। तो यहाँ पर पहले मैग्नेटिक फील्ड देखिए कितना आएगा। बी इज इक्वल टू, सर्कुलर कॉयल में करंट फ्लो होती है सो वी नो इट इज म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, एक तो ये आपको याद होना चाहिए। यही फार्मूला इसमें भी लगेगा क्योंकि ये भी सर्कुलर कॉयल है, लेकिन म्यू नॉट आई अपॉन टू, रेडियस कितना हो जाएगा? स्मॉल आर। और नंबर ऑफ टर्न्स एन है, इसीलिए ये मल्टीप्लाइड किससे हो जाएगा? एन से। ये सिंगल टर्न का मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एन टर्न्स हैं, इसलिए हमने एन से मल्टीप्लाइड कर दिया। रेडियस इसका कैपिटल आर था, ये छोटा हो गया स्मॉल आर। अब अगर हम बी डैश अपॉन बी करते हैं तो ये कैंसलेशन तो होगा पर आर और आर का कैंसलेशन नहीं होगा और हमें उसको कैंसिल करना है। सो ज्योमेट्री से आपको ये पता लगाना है कि इस आर और इस आर में क्या रिलेशन है। तो बताइए, अगर हमने इसमें एन टर्न्स बनाई हैं तो क्या इस आर को हम आर अपॉन एन लिख सकते हैं? तो ये लिखने का आपको लालच हो सकता है पर हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों सर्कल्स में क्या चीज़ कॉमन है? आंसर है, वायर हमने वही यूज़ की है। वही यूज़ की है मीन्स उस वायर की कौन सी डायमेंशन? आंसर, लेंथ। जितनी इस वायर की टोटल लेंथ थी पूरी की पूरी लेंथ यहाँ यूज़ हुई है, वट एवर इज़ द रेडियस। तो अब बताइए, रेडियस कॉन्स्टेंट है कि लेंथ कॉन्स्टेंट है? तो आंसर है लेंथ कांस्टेंट है। तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ कांस्टेंट है, उससे हमको रेडियस का रिलेशन मिलेगा। देखिए यहां पर इसकी लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। यहां पर इसकी लेंथ कितनी है? 2 पाई आर
मल्टीप्लाइड बाई एन, ये 2πr मल्टीप्लाइड बाई एन। लेकिन जिस तार से ये बना है उसी तार से हमने ये बनाया है, इसलिए दोनों लेंथ कैसी है, इक्वल। सो 2πr इज इक्वल टू 2πr एन। सो r इज इक्वल टू r इंटू एन, इसी को हम ढूंढ रहे थे, इनका रिलेशन। तो अब हम कैपिटल R की जगह क्या लिख सकते हैं, r n। ओके, तो ये यहां पर आ जाते हैं। सो अब b डैश अपॉन b करते हैं, तो b डैश अपॉन b, b डैश कितना है, b डैश इज n टाइम्स म्यू नॉट i अपॉन 2r डिवाइडेड बाय b। b की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट i, म्यू नॉट i अपॉन 2 कैपिटल R। दिस इज इक्वल टू, ओके, ये ऊपर चला गया तो ये आ गया n r अपॉन स्मॉल r। अब इस r की वैल्यू हमने यहां से रख दी, r इंटू एन। सो दिस इज r इंटू एन अपॉन r कैंसल्ड, सो दिस इज एन स्क्वेयर अपॉन वन। सो बी डैश अपॉन बी इज इक्वल टू एन स्क्वेयर अपॉन वन। एंड इज चेक द आंसर्स, क्या ये आंसर मिलता है किससे, यस इट इज आंसर नंबर सी, एन स्क्वेयर अपॉन वन। सो सी इज अवर राइट आंसर। ओके, थैंक यू, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। Okay, see the next question here. It says equal current is passing through two very long and straight parallel wires of the same direction. ये दो parallel wire हैं और इनमें same direction में current flow हो रही है, I1, I2. Okay, and these are infinitely long conductors. उसके बाद चार statement दिए हैं कि वो एक दूसरे को attract करेंगे, फोर्स, या एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट विल बी अवर आंसर, इसमें एक चीज आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लीन का मतलब क्या है, लीन का मतलब होता है लीन, एक वायर ऐसा रहेगा और दूसरा वायर जो है वो ऐसे हो जाएगा, लाइक दिस, या एक ऐसा है तो दूसरा वायर जो पहले स्ट्रेट था वो इसकी तरफ ऐसे झुक जाएगा, दिस इज लीन। अट्रैक्ट ऐसे फोर्स, रिपेल ऐसा फोर्स, तो इसमें क्या होता है, तो ये अभी मैं इसको पूरा करने की जरूरत नहीं समझता, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन थ्योरी पार्ट दैट व्हेनेवर द करंट इज पैरेलल टू ईच अदर देयर विल बी ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पैरेलल करंट अट्रैक्शन, सो देयर विल बी ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए हमारा कौन सा स्टेटमेंट ठीक होगा जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, ओके, एंड दैट विल बी आंसर ए। फिर भी थोड़ा सा रिवीजन के लिए देखिए, इसमें करंट ऐसी फ्लो हो रही है तो I1 के कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड B1 बनता है उसकी डायरेक्शन बताइए, ये करंट की डायरेक्शन है, राइट हैंड से ये करंट की डायरेक्शन में रखा, ये है R और B किधर होता है, परपेंडिकुलर ऐसे अंदर की तरफ, तो B1 किधर बना, गोइंग इनसाइड, ओके। अब इसको भूल जाइए, यहाँ पर एक बी बना हुआ है विच इज़ गोइंग इनसाइड और करंट ऐसी फ्लो हो रही है तो फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स निकालने के लिए आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड फार्मूला यूज़ करते हैं, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये करंट है तो ये करंट हमने ऊपर कर दी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर किया, करंट ऊपर की, तो ये फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आ गई, फोर्स। और अगर इसका फोर्स इस कंडक्टर की तरफ है तो इसको क्या बोलेंगे आप, अट्रैक्शन की रिपल्शन, यस इट इज अट्रैक्शन, सो दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
इस तरह से हम इसको निकालते हैं और आगे के लिए याद कर लेते हैं कि अगर ये करंट पैरेलल है तो फोर्स कौन सा होगा, अट्रैक्शन. सो दिस विल बी आंसर ए. सो वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. थैंक यू. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉयल एज द डिस्टेंस वेरीज इज शोन इन दिस ग्राफ. Which of the following statement is false? चार statement इन्होंने दिए हैं और हमें उसमें से निकालना है कि कौन सा statement false है. इसका ये मतलब है कि बाकी के तीन statement correct है. Okay? तो ये statement देखिए. पहला statement, point A and A dash are known as points of zero curvature. Okay? इसको solve करने के लिए इसे मैंने यहाँ draw किया है. ये है क्या? ये है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉयल एट डिस्टेंस एक्स. ये एक सर्कुलर कॉयल है, ये इसकी एक्सिस है, इसमें करंट फ्लो होती है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग होता है और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाता है. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है उसमें भी एक स्टोरी है कि ये जो वीक होता है इसका रेट ऑफ डिक्रीज कैसा होता है. शुरू में हमने इसका ग्राफ बनाया, ये इसका ग्राफ है, दिस वन. तो ये ग्राफ हमें क्या शो करता है? एक्स इज इक्वल टू जीरो. एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहां मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग है. आप एक्स को एक तरफ बढ़ाते जाइए मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा, कम होते जा रहा है. लेकिन कर्वेचर देखिए ऐसा, ये पहले धीरे धीरे कम होगा, फिर और तेजी से कम होगा, फिर और तेजी से कम होगा, फिर और तेजी से कम होगा. दिस इज ए पैराबोला. यहां कर्वेचर कम और ये कर्वेचर ऐसा चेंज होते जाता है. पर ये कर्वेचर है कैसा? इस डायरेक्शन में. फिर एक ऐसा पोजीशन आती है, एक ऐसे पॉइंट होता है कि जब हम एक्स को और आगे बढ़ाते तब भी बी कम होता जाता है. लेकिन जो इसका रेट ऑफ चेंज है ये शुरू में तेजी से कम होता है और बाद में धीरे धीरे कम होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद. पहले क्या था? शुरू में स्लोली लेस होगा, फिर स्पीड से कम हो जाएगा. धीरे धीरे कम होगा, स्पीड से बी कम हो जाएगा. लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर स्पीड से कम होता है और फिर स्लोली कम होते चला जाता है. तो ये रेट ऑफ चेंज जो है ये इसका अलग अलग हो गया, जैसे आपने क्या पढ़ा है, डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. वेलोसिटी ये हमेशा बी कम तो होता जाएगा, पर यहां से लेके यहां तक ये क्या शो कर रहा है, ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया. ये अच्छा, अब इसके लिए उन्होंने ये सिचुएशन हमने पढ़ी हुई है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में और ये ग्राफ भी बनाया हुआ है. ओके, इसके लिए जो इनके चार स्टेटमेंट हैं उसमें से एक स्टेटमेंट गलत है, यानी कि तीन स्टेटमेंट ठीक हैं. तो अब हम देखते हैं कि ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये करेक्ट हैं कौन से. नंबर वन, पॉइंट ए एंड ए डैश आर नोन एज पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर. ये वाले जो दो पॉइंट होते हैं ये कहलाते हैं, दीज आर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स. इन्फ्लेक्शन, ओके. इसकी एक स्पेशल चीज है, यहां पर कर्व देखिए ऐसा. इधर का जो ग्राफ है ये इधर के मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, इधर का ग्राफ इधर के मैग्नेटिक फील्ड के लिए. तो यहाँ पर ये इसका कर्वेचर ऐसा है, तो रेडियस किस तरफ है? इस तरफ. इसको देखिए, इसका कर्वेचर ऐसा है तो इसका रेडियस किस तरफ है? इस तरफ. किस पॉइंट पर, अगर हम इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव कहें, या इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव कहें, तो किस एक्स की कौन सी वैल्यू पर साइन प्लस से माइनस हो गया? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे साइन माइनस से प्लस हो गया.
तो ये ए और ए डैश ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर ए एंड ए डैश साइन ऑफ कर्वेचर चेंज. ओके, ये इस तरह से, और इनको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट. तो पहला स्टेटमेंट, ए एंड ए डैश आर नोन एज पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर. तो देखिए यहां पर कर्वेचर है, कर्वेचर है, कर्वेचर है अंदर की तरफ, यहां कर्वेचर बाहर की तरफ. तो ठीक इस पॉइंट पर क्या होगा, किधर है कर्वेचर, पॉजिटिव साइड पे कि नेगेटिव साइड पे? तो हमारा आंसर है कि ठीक इस पॉइंट पे कर्वेचर नहीं है, बहुत छोटी सी एक स्ट्रेट लाइन है. इधर आएंगे तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, ऊपर जाएंगे तो ये ऐसे मुड़ जाएगी. सो कर्वेचर नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, जीरो कर्वेचर. तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा है, दैट इज ए एंड ए डैश आर जीरो, आर नोन एज पॉइंट ऑफ जीरो कर्वेचर. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, जीरो कर्वेचर. अब दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट हमसे कहता है बी वेरीज लीनियरली विद एक्स एट पॉइंट ए एंड ए डैश. बी वेरीज लीनियरली, दिख रहा है ये कौन है, ये एक्स है, ये हाइट क्या दिखाती है, बी. और यहां पर अगर मैं इतना छोटा सा इस चीज को मैग्नीफाई करूंगा तो ये रहा एक्स और ये रहा बी का ग्राफ. ये इधर ऐसा कर्व बना है और नीचे ऐसा कर्व बना, तो थोड़ी सी जगह तो ये स्ट्रेट लाइन रहा होगा. और अगर ये लाइन है और ये एक्स है तो इनका रिलेशन क्या कहलाएगा, लीनियर. तो इधर कर्वेचर रिलेशन है, इधर भी कर्वेचर का रिलेशन है, इस पॉइंट पर लीनियर रिलेशन है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो दूसरा पॉइंट क्या था, फिर से इसको पढ़िए, बी वेरीज लीनियर विद एक्स एट ए एंड ए डैश. सो दिस इज करेक्ट. नाउ थर्ड, थर्ड इज डी बी बाई डी टी इज जीरो एट पॉइंट ए एंड ए डैश. वो डी बी बाई डी टी नहीं है, उसको आप नोट कर लीजिएगा. दिस इज डी बी बाई डी एक्स. ओके, तो डी बी बाई डी एक्स किसको शो करता है, वेरिएशन ऑफ बी रिस्पेक्ट टू एक्स. तो जहां पर स्ट्रेट लाइन आती है वहां पर डिफरेंशिएशन, वहां पर कर्वेचर कैसा है, जीरो. अगर कर्वेचर जीरो है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा. आपने देखा हुआ है ये इसमें, ये यहां पर कर्वेचर थोड़ी देर के लिए जीरो है तो यहां का डिफरेंशिएशन कैसा होता है, जीरो. तो जहां पर कर्वेचर कांस्टेंट हो गया, जीरो हो गया, ये जीरो कर्वेचर, जीरो कर्वेचर, इसलिए इनका डी बी बाई डी टी कैसा होगा, जीरो. डी बी बाई डी एक्स जीरो, दिस इज करेक्ट. क्योंकि यहां पर कर्वेचर नहीं है. तीसरा, चौथा पॉइंट, डी स्क्वेयर बी बाई डी एक्स स्क्वेयर, दैट इज सेकेंड डिफरेंशिएशन. आपने मैक्सिमा और मिनिमा में मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि यहां पर ये नीचे जाएगा, यहां पर ये ऊपर जाएगा. तो डी बी बाई डी एक्स दोनों जगह कैसा होगा, जीरो. लेकिन जो सेकेंड डिफरेंशिएशन होता है वो हमको बताता है कि ये नीचे आएगा या ये ऊपर जाएगा. तो डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या शो करता है, नो चेंज. यहां से यहां तक नो चेंज, यहां से यहां तक नो चेंज. पर ये मिनिमा है कि मैक्सिमा है, ये किससे फैसला होगा कि इसके बाद वाला कर्वेचर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. अगर ये पॉजिटिव आता है तो हमको मालूम है ये मैक्सिमा है, और ये अगर नेगेटिव आता है तो ये मिनिमा है. यानी सेकेंड डिफरेंशिएशन जब भी हम करेंगे वो हमको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, अगर ये कर्व है तो.
और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से कर्वेचर चालू हो जाता है, इधर भी कर्वेचर है। तो अगर ये कर्वेचर हैं और हमने सेकंड डिफरेंशिएशन किया तो ये ज़ीरो नहीं होंगे। ज़ीरो कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन है, जब ये स्ट्रेट लाइन है तब तो ज़ीरो, और उसके बाद सेकंड डिफरेंशिएशन इसको दिखाएगा कि इसके बाद पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है इसलिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन ज़ीरो, लेकिन इसके बाद क्या है? कर्व। इधर भी क्या है? कर्व। इसका ये मतलब है कि जब भी हम सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे इट विल हैव सर्टेन फिनिट वैल्यू एंड दिस विल नॉट बी ज़ीरो। लेकिन इन्होंने क्या दिया है? फोर्थ वन इज ऑल्सो ज़ीरो। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी, सी, बी, ए। तो ए बी सी डी में हमारा चॉइस क्या होगा? डी इज द ऑड मैन आउट, डी इज द नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। सी द क्वेश्चन हियर, टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग इक्वल चार्जेस आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दो पार्टिकल हैं, दोनों को हमने एक जैसा पोटेंशियल डिफरेंस दिया, दोनों पर एक जैसा चार्ज है। दिस इज पोटेंशियल, दिस इज पार्टिकल वन, दिस इज पार्टिकल टू। दोनों को एक जैसा पोटेंशियल डिफरेंस दिया और दोनों को हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा दिया। ओके, ये एंटर करता है और हमको, हमने मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल रखा है वेलोसिटी के, तो ये इसमें एक सर्कल बनाएगा लाइक दिस, और इसका कुछ रेडियस होगा आर वन। ये भी अंदर जाएगा और जो हमारा रूल है उस रूल के अनुसार ये भी मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ एक सर्कल बनाएगा, और मान लीजिए इस सर्कल का रेडियस है आर टू। ये पार्टिकल का दोनों का चार्ज एक जैसा है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हमने एक जैसा लगाया, पर डिफरेंस किस में है? दोनों के मास में। एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। हमारी गिवन क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं? एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। एक जब गोल घूमता है तो उसका रेडियस r1 आता है, दूसरे का r2 आता है, और आप चारों आंसर में देख रहे हैं मास का रेशियो और रेडियस का रेशियो। इन दोनों का रिलेशन हमको निकालना है, यानी हमें निकालना है m1 अपॉन m2 इन टर्म्स ऑफ रेडियस। ये हमारा टास्क है। ओके, तो शुरू करते हैं कि जब ये इसमें घूमेगा तो इसका रेडियस का क्या कोई एक्सप्रेशन हमको मालूम है? हमने साइक्लोट्रॉन के चैप्टर में पढ़ा है, साइक्लोट्रॉन के चैप्टर में कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट होती है। Who is acting as centripetal force for this? Answer, magnetic force is acting as centripetal force. And how much is magnetic force? That is QVB. And how much is the centripetal force? This becomes centripetal force, that is MV square upon R. Okay? This is one equation we have, and this tells us that R is equal to, एक v कैंसल हो गया, R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ओके, अब दूसरे तरीके पे आइए। दूसरा तरीका हमें क्या बताता है कि ये जो एम वी है, दिस गिव्स अस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और एम वी का रिलेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन एम। ओके, सो एम वी ये कौन है? काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम के लिखते हैं। टू एम को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? टू के एम इज इक्वल टू एम वी होल स्क्वेयर।
तो एम वी किसके बराबर हुआ, एम वी इज इक्वल टू रूट टू के एम, दिस के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो एम वी रूट टू के एम के बराबर होता है, ये रहा एम वी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय एम डिवाइडेड बाय क्यू बी, दिस इज रेडियस ऑफ द पार्टिकल विच इज मूविंग हेयर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पर काइनेटिक एनर्जी क्यों लिया हमने, इसलिए मुझे वो पोर्शन पहले बताना चाहिए था कि जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाता है, ये यहाँ से यहाँ जाता है, तो दोनों के पास पोटेंशियल के कारण क्या गेन होता है, आंसर है दोनों को पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी, Q इंटू वी, ये हमने पढ़ा हुआ है, वर्क डन आपको याद है, V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू वी एंड वर्क डन कन्वर्ट्स इंटू एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जाकर क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। तो ये इक्वेशन हमने बहुत किया हुआ है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, बॉल को छोड़िए नीचे आएगी तो वही काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, तो ये दोनों का कन्वर्शन होता है। तो जब हम इसको V वोल्टेज पे चार्ज को रखते हैं तो इनिशियली ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है और यही एनर्जी बाद में जाके काइनेटिक एनर्जी बनती है और ये इसमें एंटर कर गया, तो ये QE यही मेजरमेंट किसका हो गया, काइनेटिक एनर्जी का। ये सो दिस इज Q और V, V क्या है, वोल्टेज। अब काइनेटिक एनर्जी क्यू वी इसको मिली, तो इसको कितनी मिली, इसका चार्ज भी क्यू है, इसकी वोल्टेज भी वी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्यू वी है। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी फॉर पार्टिकल नंबर वन एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर पार्टिकल नंबर टू बोथ आर सेम, तो हमको वन और टू लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी के और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी के, जबकि दोनों का मास अलग अलग है, लेकिन मास से काइनेटिक एनर्जी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके फॉर्मूला में मास नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी के है, राइट। अब दोनों का अलग अलग रेडियस देखते, रेडियस फॉर पार्टिकल नंबर वन इज इक्वल टू रूट टू के मास ऑफ पार्टिकल नंबर वन अपॉन क्यू बी, रेडियस ऑफ पार्टिकल नंबर टू इज इक्वल टू रूट टू के मास ऑफ पार्टिकल नंबर टू अपॉन क्यू बी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी एक समान है इसलिए दोनों के, दोनों का चार्ज एक समान है दोनों क्यू, दोनों एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं इसलिए दोनों का बी बी, इसमें कोई वन टू नहीं होगा। अब आर वन अपॉन आर टू कर दीजिए, आर वन अपॉन आर टू, तो कैंसल 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 कैंसल, व्हाट डू वी गेट, रूट एम वन अपॉन एम टू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करिए तो एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू होल स्क्वायर। सो अब उसमें देखिए क्या ये हमारे पास ऑप्शन है, आंसर है यस, दिस इज ऑप्शन सी, सो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, ठीक है। इसको एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, दिस इज हाउ वी सॉल्व इट, थैंक यू। ओके, सी दिस क्वेश्चन, इसमें चार स्टेटमेंट है और हमको देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। हो क्या रहा है, द कंडक्टिंग लूप इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ये लूप है और ये इसकी एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है बी, ये कंडीशन है। ओके, द कंडक्टिंग लूप इन द फॉर्म, ये कंडक्टर का बना हुआ है तो इसमें करंट फ्लो हो सकती है, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द लूप, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है कौन सी कंडीशन में, तो पहली कंडीशन देखिए, इट इज ट्रांसलेटेड पैरेलल टू इट्सेल्फ, ये अभी यहां पर है ऐसे,
पैरेलल जाना है तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, तो मोशन कैसा होगा, ऐसा। इस मोशन में, मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर रहा है, ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये ऐसे मूव करेगा तो इसमें ईएमएफ बनेगा कि नहीं बनेगा। मैंने आपको एक बड़ा शॉर्टकट बताया था थ्योरी के दौरान कि ईएमएफ तभी बनता है जब एक कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे काटेगा, जैसे हम सब्जी को चाकू से काटते। अगर आप चाकू ऐसा चलाएंगे तो भी नहीं कटेगी, ऐसा चलाएंगे तो भी नहीं कटेगी, ऐसा चलाएंगे तो भी नहीं कटेगी, सिर्फ एक ही कंडीशन में कटती है जबकि सब चीज़ें आपस में राइट एंगल पे होती। तो यहाँ देखिए, ये जब ऐसा चलता है, अभी इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 मैग्नेटिक फील्ड हैं। जब ये यहाँ से चलकर यहाँ पर आता है तब भी वही 5 है। देर इज़ नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, देर इज़ नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो ई नहीं बनेगा। ई कैसे बनता है, डी फाइव बाई डी टी, दिस इज ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता, अभी भी 5 है, अभी भी 5 है। सो नंबर 1 इज नॉट करेक्ट। नंबर 2 सेज यस, इट इज रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। ओके, थर्ड इज इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस। फोर्थ, लूप इज डिफॉर्म्ड फ्रॉम द ओरिजिनल शेप। इट इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस, इसका ये मतलब है कि ये इसकी एक्सिस है और यहां पर हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे। ओके, ये इसको हमने लूप को ऐसे रोटेट किया। अगर ऐसा रोटेट करते हैं तो अभी इसके अंदर ये 5 लाइन है, ऐसा ले आए तो ये लाइन भी बाहर से चली गई, ये लाइन भी बाहर से चली गई, और इसके साथ कितनी लाइनें मिक्स हैं, 0, एक भी लाइन इसके साथ टच नहीं कर रही है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द क्यूब इज 0। फिर ऐसा किया, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अगेन लिंक। फिर ऐसा किया, मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0। सो द फ्लक्स इज चेंजिंग। और जब भी फ्लक्स चेंज होता है, जब भी फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ बनता है। तो सेकेंड कंडीशन में ईएमएफ बनेगा। अब थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन सेज ओके, इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये इसकी अपनी नेचुरल एक्सिस है। ये इसकी नेचुरल एक्सिस कौन सी होती है, तो ये अगर लूप है हमारे पास, ये इस लूप की नेचुरल एक्सिस कहलाती है। दिस इज नेचुरल एक्सिस, जो परपेंडिकुलर सेंटर से जाती। अब अगर इसके चारों तरफ इसको घूमना है तो ये ऐसे घूमेगा। अब आप देखिए, सोचिए, इसमें ये 5 लाइन ऐसे टच कर रही है। अगर ये ऐसे घूमता है तो क्या ये लाइन 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी या 4 हो जाएगी? आंसर है नो, देर इज़ नो चेंज। ये 5 है, हम ऐसे घुमा रहे हैं, 5 का 5 है। सो इफ देर इज़ नो चेंज इन फ्लक्स, देर विल बी नो ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो थर्ड में भी ईएमएफ नहीं बनेगा। और फोर्थ कंडीशन हम देखते हैं, द लूप इज डिफॉर्म्ड फ्रॉम द ओरिजिनल शेप। इसको डिफॉर्मेशन कर देते हैं। अगर डिफॉर्मेशन करते हैं तो क्या होगा, वी डोंट नो। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है dBA/dt। अगर हम डिफॉर्मेशन करते हैं तो इसके एरिया में चेंज आता है कि नहीं आता, वी डोंट नो। अगर हाँ, ये लूप को हमने ऐसा कर दिया, फिर से ऐसा कर दिया, देर इज डेफिनेटली ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट। क्यों? हम उसका एरिया चेंज कर रहे हैं, और एरिया चेंज करने से इसके साथ जितनी लाइंस लिंक हैं उसकी क्वांटिटी अभी 5 है, ऐसा किया 2 हो गई, फिर ऐसा किया 5 हो गई। तो अगर हम उसको डिफॉर्म करते हैं तो एरिया चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिफॉर्मेशन इस तरह का है कि एरिया चेंज नहीं होगा, तो
डिफॉर्मेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इस सब को देखकर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? दिस. और यही चीज आपने पढ़ी है. कहाँ पढ़ी है याद करिए. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर. एसी जनरेटर में एक कॉयल को एक मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घुमाते हैं अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स डायमीटर. अगर ऐसा घुमाएंगे तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा और इसमें ईएमएफ जनरेट होगा. एंड दैट इज कंडीशन नंबर बी. सो आवर राइट ऑप्शन इज कंडीशन नंबर बी. ओके, थैंक यू. सी द क्वेश्चन. देयर इज ए रिंग ऑफ रेडियस आर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा. और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा. ओके, रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस रिंग एट इट्स ओन सेंटर. ये रोटेट कर रहा है. अब ये नहीं दिया किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये अपनी नेचुरल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. और नेचुरल एक्सिस ये होती है, ये दिस इज नेचुरल एक्सिस, ये वाली. तो ये ऐसे चार्ज मूव कर रहा है. अगर ये चार्ज इस तरह से ऐसे मूव कर रहा है तो इनका क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस रिंग एट इट्स ओन सेंटर. यहाँ पर ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा बी, ये वैल्यू हमको चाहिए. और इसके ऑप्शन हमको दिए गए हैं. आंसर, आंसर किस लैंग्वेज में है? आंसर है ये लैम्डा और ओमेगा इसके टर्म्स में है, तो हमको भी इसी टर्म्स में निकालना है. ओ, इसमें आर भी नहीं है, ठीक है. बी, अब अगर एक चार्ज यहाँ पर घूमता है तो, या इसमें करंट फ्लो होती है, तो करंट फ्लो होती है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? उसका फॉर्मूला हमको याद आता है, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन टू आर. ओके, अब इसमें म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, आर हमारी गिवन क्वांटिटी है, हमको सिर्फ क्या निकालना है? आई. तो ये आई हम कैसे निकालते हैं? हमको दिया गया है इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ओमेगा. ओके, तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं. देखिए, अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो टाइम पीरियड कितना होगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T. सो टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा. क्यों टी चाहिए हमको? इसलिए टी चाहिए क्योंकि आई की वैल्यू क्या होती है? क्यू अपॉन टाइम. ओके, टी तो हमको पता लग गया. क्यू, कितना चार्ज है जो एक राउंड में घूमेगा? तो आंसर है, इसमें हमको दिया गया है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर यहाँ पर कितना चार्ज एक राउंड में घूमकर जाएगा? आंसर है जितना चार्ज इस लाइन पर है. और इस लाइन पे कितना चार्ज है? इस लाइन पे चार्ज है टोटल लेंथ कितनी? 2πr. ये इसकी टोटल लेंथ है मल्टीप्लाइड बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी. एक मीटर में लैम्डा चार्ज है तो 2πr में कितना हुआ? 2πr इंटू लैम्डा. ये q की वैल्यू हो गई. दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय टी. 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा. ये किसकी वैल्यू आ गई? I की. सो दिस इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा. सो दिस इज ओमेगा आर लैम्डा. ये किसकी वैल्यू है? करंट की. तो ये इसमें करंट बन रही है. अब इस करंट की वैल्यू को यहाँ रखिए, वी विल गेट दी बी. सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट और आई की वैल्यू ओमेगा आर लैम्डा डिवाइडेड बाय टू आर, टू आर. यस, हियर आर इज कैंसल्ड एंड व्हाट वी गेट इज हाफ म्यू नॉट ओमेगा इंटू आर. क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है? म्यू नॉट ओमेगा, सॉरी म्यू नॉट ओमेगा, ओ आर नहीं है, लैम्डा. दिस म्यू नॉट ओमेगा इंटू लैम्डा अपॉन टू, म्यू नॉट ओमेगा लैम्डा अपॉन टू. दिस इज ऑप्शन नंबर सी.
So we get this, yes, this is the only option, correct, dekh lijiye. So this is how we can calculate it. To isme hamara knowledge kya hona chahiye tha, magnetic field, current or radius se relation. Dusra, jab bhi koi charge ghumta hai to current kaise hoti hai, q upon t. Time ka omega se relation, ye nikalna aana chahiye. Aur q kitna hoga, total length multiplied by linear charge density. Itne sare 5-6 relation isme kaam mein aaye hain. So this is a very good question, and this is how we have done magnetic effect of electric current today. Thank you.